Okay. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप्स आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी फुल डे टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी, और जिसमें मैंने आज डीप क्लीनिंग करनी है और घर के कुछ बाकी काम काज हैं। आज मुझे लिविंग रूम के सोफ़ाज़ की सेटिंग भी चेंज करनी है। इसके अलावा किचन क्लीनिंग है और कुछ रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि व्लॉग स्टार्ट होने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने सारे गर्मियों के कपड़े निकाल के इनको पैक कर दिए हैं, क्योंकि फाइनली UAE में विंटर्स आ चुकी हैं और मैंने अपने सर्दियों के सभी जर्सियाँ, स्वेटर्स और कोट्स वगैरह निकाल लिए हैं। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10 o'clock ही हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक जो टास्क है वो तो कंप्लीट हो चुका है। एनीवेज, अपने सारे सर्दियों के कपड़े निकालने के बाद, उनको सेट करने के बाद मैं आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। और मेरे लिविंग रूम की इस टाइम जो हालत है वो भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है, क्योंकि मुझे आज डीप क्लीनिंग भी करनी है, सोफ़ाज़ की सेटिंग भी चेंज करनी है थोड़ी सी। काफ़ी मैसी हो रहा है मेरा घर। तो सबसे पहले लिविंग रूम से ही स्टार्ट करती हूँ। मेरे सोफ़ाज़ बेसिकली ये मॉड्यूलर सोफ़ाज़ हैं, लाइक इनके सभी सेक्शंस अलग अलग से हो जाते हैं। और क्योंकि जो मेरे सोफ़े हैं इनका कलर बहुत लाइट है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया हुआ है कि मैंने सेम कलर के फ्लीस ब्लैंकेट्स लेके इनकी सभी सीट्स को कवर किया हुआ है। वैसे तो मेरे घर में बच्चे नहीं हैं, बट स्टिल जब से मैंने ये फ्लीस ब्लैंकेट से इन सीट्स को कवर किया हुआ है ना, सोफ़ा हर तरह के स्टेन से, गंदगी से और डस्ट से बचे हुए हैं। वैसे तो सोफ़ाज़ कवर्स मिलते हैं मार्केट से, कि मॉड्यूलर सोफ़ा की जो शेप और साइज़ डिफरेंट होती हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, मार्केट से उसको सर्च करना थोड़ा मुश्किल था। मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट यही लगा कि सेम कलर के फ्लीस ब्लैंकेट्स लूँ और इनकी सीट्स को अच्छे से कवर कर दूँ। और ये मेरा अच्छा इनके साथ टाइम गुजर रहा है। जब भी गेस्ट आते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि इन फ्लीस ब्लैंकेट्स को मैं रिमूव कर देती हूँ। और अभी मैंने जब सोफ़ा पुश किया ना, तो बहुत ज़्यादा सोफ़े के नीचे से डस्ट मुझे नज़र आया, मैं वैक्यूम भी साथ ही करने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे आज डीप क्लीनिंग भी करनी है ना, तो इसलिए फिर मैं वैक्यूम भी ले आई। और यहाँ पे अब मैं सुपर वुमन बन के बहुत ज़्यादा जोश में मैंने सोफ़ाज़ को पुश तो कर दिया, लेकिन अभी जब शाम में मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो मेरी बैक में अच्छा खासा पेन था। और तब मैं सोच रही थी कि इतने जोश जोश में मैंने ये सब कुछ कर तो लिया, लेकिन शाम में अगर हस्बैंड के आने का वेट कर लेती तो शायद इस दर्द से बच जाती। बट एनीवेज, मुझे एक्साइटमेंट ही बहुत ज़्यादा थी और एक्साइटमेंट में मैं बस लगी रही। और एक्साइटमेंट मुझे किस चीज़ की है ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज यू आर ऑल आर लाइक माई फैमिली नाउ। और एक्साइटमेंट मुझे इस चीज़ की है कि समवन वेरी स्पेशल इज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, और कल वो इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। बस इसीलिए मैं डीप क्लीनिंग भी कर रही हूँ और सोफ़ाज़ भी कभी इधर को सेट करके देख रही हूँ, कभी उधर को सेट करके देख रही हूँ। परदेश में एक यही चीज़ होती है कि जब आपके होम कंट्री से कोई आ रहा होता है ना, और स्पेशली आपके घर से आ रहा हो, तो आपकी एक्साइटमेंट तो भाई बनती है ना। आज काम बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सभी क्लीनिंग करूँगी। और फिर शाम में मैंने जाना है ग्रॉसरीज करने के लिए, और मुझे कल के खाने के लिए रात में कुछ प्रिपरेशन करके रख लेंगे, क्योंकि कल को हमने उनको एयरपोर्ट से लेने जाना है। आज रात को मैं कुछ प्रिपरेशन करके रख लूँगी कल के लिए। अच्छा, यहाँ पे वैक्यूम तो मैंने पूरे घर को कम्प्लीटली कर लिया है और अब बारी है मोपिंग की। मोपिंग भी मैं जल्दी जल्दी से लगा रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरा फ्लोर कितना क्लीन है, नीट है, कि मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, कोई मेड शेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपना एक रूटीन बनाई हुई है कि मुझे वंस इन अ वीक डीप क्लीनिंग करनी है। और क्लीनिंग वीडियोस शेयर करने का आपके साथ पर्पस सिर्फ मोटिवेशन होता है, कि हमें मोटिवेशन मिले कि हमने किस तरह से अपने घर को नीट, क्लीन और टाइडी रखना है, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ्स, होममेकर्स ऐसी हैं जो विदाउट एनी हेल्प, विदाउट मेड के बहुत सक्सेसफुली अपने घर को मेंटेन रख रही हैं।
और पाकिस्तान में तो कुछ ऐसी ख्वातीन भी हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं विदाउट एनी हेल्प, विदाउट मेड के वो घर को, अपने बच्चों को, अपने ससुराल को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। सीरियसली बहुत बड़ी बात है ये। और घर की डीप क्लीनिंग करने के बाद मैंने ऑन कर दिया है अपना फेवरेट बखूर और अब मेरे घर से बहुत मज़े की वुडी ज़बरदस्ती फ्रेग्रेंस आएगी। ये देखिए मेरे किचन की मैसी कंडीशन, क्योंकि कल परसों से गला मेरा ख़राब था और तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी जिसकी वजह से मैं किचन को और घर को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी। सो ये भी एक रीज़न थी मेरे घर और किचन के इतना शदीद मैसी होने की। एनीवेज़ अब लगे हैं तो इंशाल्लाह आज सारा कुछ कर ही लेंगे। यहाँ पे मैंने खाने में आज मैं बना रही हूँ मसर, जिसको कुछ लोग काली दाल भी बोलते हैं, दाल मसूर भी बोलते हैं, लेकिन हम तो इसको मसर ही बोलते हैं। और आज मैं बनाऊँगी मसर और साथ में राइस बॉइल करूँगी। और यहाँ पे मैंने फ़िश रख दी है अवन में बेक होने के लिए। आज वैसे एक्सक्यूज़ करती हूँ आपसे कि मैं सारी जो रेसिपीज़ है बहुत ज़्यादा डिटेल में ही आपके साथ शेयर करूँगी। मीनवाइल यहाँ पे मैंने मशीन ऑन कर दी और सर्दियों के मेरे कपड़े धुल रहे हैं जो मैंने जर्सियाँ और स्वेटर्स निकाले हैं। और ये मैंने अपनी पूरे दिन की रूटीन बेसिकली मेरे आज के व्लॉग में, मैक्सिमम 10 मिनट्स का मेरा व्लॉग होगा, आपके साथ शेयर करिए। बट लिटरली मेरा पूरा दिन इस पे लगा और मेरी पूरी एनर्जी इस पे लगी क्योंकि मैंने आज डीप क्लीनिंग भी की, लॉन्ड्री डे भी है, साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, किचन भी देख रही हूँ। सो इस पूरे दिन को मैंने जस्ट 10 मिनट्स में समराइज़ करके आपको दिखाया है, लेकिन इसके ऊपर बहुत टाइम लगा है मेरा, बहुत एनर्जी लगी है। सो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना है और लाइक भी करना है। यहाँ पे जी मसर मेरे पक चुके हैं और मैं उसका तड़का बना रही हूँ। और मसर मैंने बहुत ही सिंपल से तरीके से बनाए। मैंने मसर में पानी डाल के, लहसुन प्याज अदरक डाल के, और इसमें जस्ट मैंने सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर बस डाला है। और अब मैं लगा रही हूँ इसका तड़का, जो कि है देसी घी मैंने लिया है, ज़ीरा है, बे लीव है वन, और ये होल रेड चिलीज़ हैं। बस इसका मैं तड़का लगाऊंगी। और ट्रस्ट में इतने सिंपल तरीके से मैंने दाल बनाई, सॉरी ये मसर बनाए, इतने कोई मज़े के बने थे, बहुत अरसे बाद ये मैंने मसर बनाए हैं। और बॉयल्ड राइस के साथ ये बहुत मज़े के लगे। लास्ट पे मैंने इसके ऊपर गरम मसाला भी ऐड कर दिया। अच्छा, गला ख़राब था, कुछ तबीयत भी मेरी अपसेट थी, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या पकाऊँ, और मेरा कोई बहुत ज़्यादा परहेज़ी खाने को दिल भी नहीं कर रहा था और ना ही मेरे हस्बैंड इस टाइप के हैं। पहले उनका गला ख़राब था और गले ख़राब में हमने स्पाइसी बाजार की बिरयानी खाई। चेक करें हमारा चटपटापन, चटखोरापन। ये है फ़िश की फ़ाइनल लुक जो बेक हो गई, और इसको मैंने लेटस लीव और थोड़ा सा टोमेटोज़ और लेमन इसके ऊपर मैंने स्क्वीज़ करके, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ना चाट मसाला भी ऐड किया था जो कि बहुत मज़े की बनी थी। साथ में मैंने इसके बना लिया ब्रोकली सैलड। और मैं आपको बता रही थी कि हमारे गले ख़राब हैं और इसके बावजूद हम बाज़ार के चटपटे और चटखोरे हमने खाने खाए, और आज भी ऐसे ही हुआ कि मैंने राइस बॉईल कर ली और साथ में दाल बना तो ली, लेकिन फिर हस्बैंड आते हुए साथ में ये सीख कबाब लिया है। शायद गले ख़राब और फीवर की वजह से मुंह का जायका ऑलरेडी इतना फीका हुआ वो होता है कि बिल्कुल भी परहेज़ी खाने को दिल नहीं करता। वैसे मेरा तो एक्सपीरियंस यही है, मुझे तो ऐसे लगता है, मेरा तो नहीं दिल करता। आप लोगों के साथ कैसे होता है? क्या आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी और चटपटे खाने खाने को दिल करता है? एनीवेज फिर हमने किया अपना अर्ली डिनर, कोई शायद 5:30 का टाइम था। यहाँ पे खाना खाते हुए फिर मुझे याद आया कि भाई मैंने तो मशीन लगाई हुई थी और काफ़ी देर के कपड़े धुल के मशीन के अंदर पड़े हुए थे। सो मैंने फ़ौरन से उनको निकाला, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा देर मशीन में ऐसे पड़े रहे तो फिर स्मेल भी आने लग जाती है थोड़े से गीले कपड़ों में से। लेकिन अब मैंने इनको एयर पे डाल दिया है, ये है कि ये ड्राई हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा बारिश का तो कोई सीन नहीं है, हो जाएंगे रात में ड्राई। खाना खाने के बाद घर के सारे काम कंप्लीट करके हम लोग आ गए हैं ग्रॉसरीज़ करने के लिए। और ग्रॉसरीज़ करने से पहले मैंने ली है यहाँ से एक कैफेटेरिया है कड़क ज़ाफ़रान, मुझे आजकल इनकी चाय अच्छी लग रही है। क्योंकि मोस्टली कैफेटेरिया से जब हम लोग चाय लेते हैं ना, वो पाउडर मिल्क की चाय होती है जो बिल्कुल भी मज़े की नहीं मुझे लगती। ये आई गेस फ्रेश मिल्क की इनकी चाय होती है और इनका जायका बाकी कैफेटेरिया से बहुत अच्छा होता है। चाय लेने के बाद अब हम जा रहे हैं ग्रॉसरीज़ के लिए, और इंशाल्लाह यहीं से मेरा नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। टिल देन अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।